सब्सक्राइब कीजिए टेकगुरु लवि को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप अप टू डेट रहे हमारे चैनल पर। ओ हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल टेकगुरु लवि पर। आज हम बात करने वाले कैसे आप अपना वाटर सप्लाई बिल जमा कर सकते हैं, वो भी राजस्थान का ऑनलाइन। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करना नहीं आता आपको ऑनलाइन, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है नीचे, उसमें एक लिंक है, उससे आप वीडियो देख कर सीख सकते हैं कैसे आप ऑनलाइन अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आप जानना चाहते हैं कि वाटर सप्लाई बिल वो भी राजस्थान में कैसे जमा कर सकते हैं ऑनलाइन, तो उसके लिए वीडियो देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आपको कोई भी अपना फ़ोन का ब्राउज़र ओपन कर लेना है, उसमें आपको गूगल पर सर्च करना है कि SSO लिखकर सर्च करना है आपको, सिंपली SSS और फिर O लिखकर सर्च करना है। फिर मैंने यहाँ सर्च किया, उसके बाद अपन खुला है एक पेज जिसमें सबसे पहले ऊपर खुला है राजस्थान सिंगल साइन, इसी को ओपन कर लेना अपन को, राजस्थान सिंगल साइन को ओपन। ये कुछ एरर आया ऐसा, तो आप नीचे एडवांस पर क्लिक कर दीजिए, नीचे एडवांस लिखा हुआ है उस पर, और फिर यहाँ पर लिखा हुआ प्रोसेस टू SSO राजस्थान गवर्नमेंट .in ऊपर लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपकी साइट खुल जाएगी। यदि ये एरर वापस आए तो आपको वही करना है प्रोसेस। अब यहाँ पर आपको रजिस्टर करना है या फिर लॉगिन करना है। यहाँ सभी लोगों ने अपनी SSO ID बना रखी है ऑलरेडी, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी अभी सभी की SSO ID बनवाई है, क्योंकि उसमें आपको कैशबैक दिया जा रहा था फ़ोन के बदले, फ़ोन के लिए। तो यदि आपने नहीं बनाई है तो आप यहाँ रजिस्टर ऊपर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप किसी भी थ्रू, किसी चीज़ के भी थ्रू, जैसे आप फेसबुक लिखा हुआ है, आधार लिखा हुआ है, बामासा, गूगल प्लस, ट्विटर, किसी के भी थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इसमें लॉग इन करना है। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो मैं लॉग इन पर क्लिक कर अपना लॉग इन कर लेता हूँ ID। यहाँ आप अपना ID लॉग इन कर लीजिए। फिर ये खुलता है पेज, इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है रुपये का साइन है बीच में से के को, ये इस पर क्लिक करना है। इसमें यहाँ लिखा हुआ है वाटर बिल, यहाँ आपको और भी बिल जमा कर सकते हैं, पर अपन को वाटर बिल जमा करना है तो आप वाटर बिल पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ वाटर बिल पर क्लिक करने के बाद फिर से एरर आ गया, तो उसे सिंपली एडवांस पर जाकर और प्रोसेड कर दीजिए। प्रोसेड करने के बाद ये पेज खुल जाएगा अगला। फिर यहाँ आपको PHED वाटर बिल लिखा हुआ है, उसको वैसे का वैसे रहने देना है, और नीचे जो 12 डिजिट लिखी हुई है कि 12 डिजिट लिखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, बिल में कौन सी डिजिट आपको यहाँ लिखनी है। तो अपन चलते हैं बिल पर। तो बिल पर आप देख सकते हैं कि इमित CID कोड के ऊपर मैंने गोला कर रखा है, तो ये 12 डिजिट है, टोटल 12 डिजिट है, ये आपको वहाँ लिखनी है 12 डिजिट आपके जो भी राजस्थान के बिल में लिखी होती है। फिर मैं ये डिजिट वहाँ टाइप कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ पर डिजिट लिख दी 12 के 12। फिर नीचे लिखा हुआ 100, उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही कुछ ऐसा पेज खुलता है, इसमें आपकी डिटेल आती है बिल की, आप चेक कर लीजिए, मिलाकर देख लीजिए कि डिटेल दोनों सेम है ना। उसके बाद नीचे लिखा हुआ पे नाउ, उस पर आपको क्लिक कर देना है सिंपली। देखिए मैं चेक कर लेता हूँ, और फिर यहाँ पे नाउ लिखा हुआ है नीचे पे नाउ, इस पर क्लिक कर देता हूँ मैं। ये लिखा हुआ पे नाउ, इस पर क्लिक कर देता हूँ मैं। अब पेज खुलता है ये पेमेंट के लिए। इस पेमेंट पे आप कैसे, मतलब इस पेज पे आप किसी भी तरह पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग हो, UPI हो, या फिर आपके पास ATM कार्ड हो, तो यहाँ से आप पेमेंट कर दीजिए सिंपली। और एकदम सेफ साइट है SSO की, तो आप यहाँ कर सेव कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।